हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब में के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने वीडियो लंबा होने के कारण बिहार के बारे में आधी जानकारी ही हमने आपको दी थी। आज हम बिहार एक नज़र में के दूसरे भाग में देखेंगे कि बिहार की प्रशासनिक, विधायी एवं न्यायिक राजधानी कहाँ है। तो बिहार की तीनों राजधानियां जो है वह पटना में है। पटना यानी पाटलिपुत्र, इसका पुराना नाम है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम बहुत सारा है। पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद, पटना और यूनानियों ने, मेगस्थनीज ने इसको पोलीब्रोथा कहा था। पोलीब्रोथा, ये पटना के नाम हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं? 9। सारण, गया, नो मगध, जगह नहीं है, मगध, 3 नंबर त्रिभुत, चार नंबर दरभंगा, 5 नंबर कोसी, 6 नंबर पूर्णिया, 7 नंबर मुंगेर, 8 नंबर भागलपुर, 9 नंबर में पटना है। तो बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में कितने पुलिस जिले हैं? तो बिहार में 41 पुलिस जिले हैं। स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं बिहार में कितने अनुमंडल हैं। तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं। बिहार में कितने प्रखंड हैं? तो बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। बिहार में कितने पंचायत हैं? तो बिहार में पंचायतों की संख्या वर्तमान में 8406 है। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा के लिए 243 सदस्य जो हैं चुने जाते हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में दो विधानसभा के दो भाग हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। इन दोनों को मिलाकर विधान मंडल कहा जाता है। तो विधान परिषद में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। बिहार से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट,
आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। स्टूडेंट देखते हैं अब 38 नंबर सवाल है, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। फागू चौहान, फागू चौहान बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी। वर्तमान में बिहार के विधानसभा अध्यक्ष का नाम है विजय कुमार चौधरी। अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, 1916 में हुई थी। 2016 में पटना उच्च न्यायालय ने अपना 100वां वर्षगांठ मनाया था। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। अमरेश्वर प्रताप शाही मुख्य न्यायाधीश हैं। अमरेश्वर प्रताप शाही ये वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है वह 27 है, 27 है। तो इस प्रकार हम लोग 44वें प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टूडेंट देखते हैं बिहार की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी। तो बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा जो है उर्दू है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है, बैल ऑक्स। बिहार का राजकीय पक्षी आपको ज्ञात है कि नहीं? बिहार का राजकीय पक्षी पहले नकता कहा जाता था लेकिन वर्तमान में बिहार का राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो पहले कचनार का फूल था बिहार का राजकीय फूल, वर्तमान में गेंदा है। गेंदा का फूल जो है वह बिहार का राजकीय फूल है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल का जो वृक्ष है वह बिहार का राजकीय वृक्ष है, पीपल। क्यों? क्योंकि इसी पीपल के नीचे गया बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी संदर्भ में पीपल को बिहार का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। बिहार का राजकीय खेल क्या है? तो हम लोग बहुत सारे खेल खेले हुए हैं लेकिन वर्तमान में बिहार का राजकीय खेल जो है कबड्डी है। और बिहार का राजकीय नृत्य क्या है? बिहार का राजकीय नृत्य जट जटिन का नाच है।
जट जटिन नृत्य स्टूडेंट। इस प्रकार हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। अब वीडियो के अंतिम भाग में हम लोग पहुंच रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। स्टूडेंट देखते हैं, बिहार का राजकीय जलीय जीव सोंस को कहा जाता है। सोंस यानी डॉल्फिन गंगा में पाया जाता है। गंगाए डॉल्फिन बिहार का राजकीय जलीय जीव है। बिहार का राजकीय चिन्ह जो है, आप देखिएगा जितने भी बिहार के सरकारी कागजात हैं उस पर आपको एक पीपल का पेड़ दिखाई देगा। महाबोधि वृक्ष को बिहार का राजकीय चिन्ह घोषित किया गया है। महाबोधि वृक्ष। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला और नगर सब पटना है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 1 मार्च 2019 के हिसाब से 1 मार्च 2019 के अनुसार बिहार में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है 5358 किलोमीटर है। 1 मार्च 2019 तक बिहार के दर्शनीय स्थल, तो बिहार के दर्शनीय स्थल जो है बोध गया है, राजगीर है, वैशाली है, नालंदा है, पटना है, ये सब जो जगह हैं ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जगह हैं और ये बिहार के दर्शनीय स्थल हैं। बिहार के मेले, तो बिहार मेलों के लिए जाना जाता है। बिहार में संसार का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है, सोनपुर मेला। वैशाली का मेला जो है हल्दी छपरा में लगता है। वैशाली जिले में है ये, सारण जिले में है सोनपुर मेला। प्रतिपक्ष का मेला, प्रतिपक्ष मेला जो है गया में लगता है। मंदार मेला ये बांका जिले में है, मंदार पर्वत, जिस पर्वत को भगवान विष्णु का निवास स्थान भी कहा जाता है। मंदार पर्वत को ये बांका जिले में अवस्थित है। सौराठ मेला, सौराठ मेला जो है ये मधुबनी के स्वराज नामक स्थान पर होता है। और मधुबनी सौराठ मेला, सिद्धेश्वर सिंहेश्वर मेला ये मधेपुरा जिले में है, सिंहेश्वर स्थान। और जानकी नवमी मेला जो है यह सीतामढ़ी में लगता है। जानकी नवमी मेला, इस मेले में मैथिल ब्राह्मण के लड़के और लड़कियों का विवाह का भी आयोजन किया जाता है। स्टूडेंट, इस प्रकार बिहार एक नज़र में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।